दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में भारतीय पुरातात्विक विभाग और हरियाणा सरकार के बीच साइन हुआ एमओयू। एमओयू के तहत हिसार के पास ऐतिहासिक स्थल अग्रोहा की पुरातात्विक खुदाई होगी। पहले चरण में जीपीआर सर्वेक्षण और बाद में स्थल का किया जाएगा उत्खनन। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता इस दौरान मौजूद रहे। राजधानी दिल्ली में स्थित हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में भारतीय पुरातत्व विभाग हरियाणा सरकार के बीच एमओयू साइन हुआ। एमओयू के तहत हिसार के पास ऐतिहासिक स्थल अग्रोहा की पुरातत्व खुदाई होगी। पहले चरण में जीपीआर सर्वेक्षण और बाद में स्थल का खनन किया जाएगा। मौके पर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता भी मौजूद रहे। हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार के अग्रोहा में स्थित पुरातत्व स्थल को विकसित करने को लेकर भारतीय पुरातत्व और हरियाणा पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि हिसार हवाई अड्डे पर महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा स्थापित की जाएगी और ये प्रतिमा समाज के सहयोग से निर्मित होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि किसी के अनुरोध किए बिना भी उन्होंने हिसार में बनाए गए विश्व के सबसे बड़े हवाई अड्डे का नामकरण महाराजा अग्रसेन के नाम पर किया। मानव सभ्यताएं मुख्य रूप से नदियों के किनारे विकसित हुई और ऐसे प्रमाण मिले हैं कि सरस्वती नदी जो आदि बद्री से निकलती है उसका प्रवाह हरियाणा से ही होकर जाता था। पहाड़ों में उत्खनन होने की वजह से नदी का प्रवाह दूसरी नदियों में चला गया होगा, लेकिन सैटेलाइट से ऐसे प्रमाण मिले कि सरस्वती नदी हरियाणा के आदि बद्री से शुरू होकर राजस्थान गुजरात होते हुए समुद्र में जाती है। इसी नदी के किनारे कई शहर बसे हैं जिनमें से एक अग्रोहा शहर भी था। वो शहर आज दब गया है और ये शहर व्यापार का केंद्र हुआ करता था। पुरातत्व महत्व के स्थल सबसे ज्यादा भारत में और देश में हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर 1000 से अधिक पुरातत्व से संबंधित स्थल हैं। बहुत एक प्रसन्नता का ये विषय है क्योंकि हम जानते हैं कि मानव यात्रा आदि काल में कब शुरू हुई इसका कोई बहुत बड़ा उल्लेख तो नहीं है, लेकिन उस मानव यात्रा में, उस विकास यात्रा में बहुत सी ऐसी घटनाएं शुरू हुई। मनुष्य के बारे में कहा जाता है वो तो शायद जंगल का एक ऐसा प्राणी था जिसको कुछ समझ होती नहीं थी, धीरे धीरे उसका विकास हुआ, उस विकास में फिर कुछ उसका रहन सहन, उसका खान पान, उसकी वेशभूषा, फिर संस्कृति, सांस्कृतिक पहचान, ये चीजें लगातार शुरू हुई। अभी कोई लाख वर्ष कहता है, कोई 2 लाख वर्ष कहता है, कोई 1000 वर्ष कहता है, 10,000 वर्ष, जितना भी कहेंगे, लेकिन इन सब की पहचान के लिए उस समय अतीत समय में जो कुछ विकास हमारा हुआ, संस्कृतियों का हुआ, रहन सहन का हुआ, सभ्यता का हुआ, वो बीच बीच में लोप होता रहा। इसके विकास के लिए आने वाले चरण जिनमें पर्यटक स्वागत केंद्र, साइट व्याख्यान केंद्र व संग्रहालय, तारामंडल ज्योतिषीय समय रेखा पर आधारित लाइट एंड साउंड महाभारत व महान राजा अग्रसेन पर आधारित होगी। ध्यान केंद्र के साथ नॉलेज पार्क इत्यादि का निर्माण किया जाएगा। इन सब प्रयासों से सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मूल्यों पर जोर दिया जाएगा। जैसे कि हरियाणा प्रदेश के हिसार जिला के अंदर तक्षशिला और मथुरा के बीच प्राचीन व्यापार पुरातत्व स्थल माना जाता है कि यह स्थल अग्रेय राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि महाभारत की कहानियों के अंदर वर्णित है। शक कुषाण से आरंभिक गुप्त काल तक की पहचान स्थल के संरचनात्मक अवशेषों से होती है। इस काल के एक विशाल बौद्ध परिसर की खोज उल्लेखनीय है। इस स्थान को कई शासकों ने अपनी कलाकृतियों और प्रख्यात विद्वानों ने अपने यात्रा विलेखों के में महत्वपूर्ण रूप से रेखांकित किया। बहरहाल आपको बता दें, पुरातत्व स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा अग्रोहा धाम भी एक ऐतिहासिक स्थल है और वहां पर भी एक भव्य संग्रहालय विकसित किया जाएगा जो हरियाणा के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक खजाने को संरक्षित और प्रस्तुत करने का केंद्र होगा। रिया राय, टोटल टीवी।